अपने पास रखो, पेन पेंसिल जो भी है वो अपने पास रखो, बाकी बुक्स हमें नहीं चाहिए। एंड एवरीबडी सिट स्ट्रेट। हमने आपको शायद बताया था हमने कौन सा अपना सेंटर एक्टिव रखना है बेटा, ब्रेन का कौन सा सेंटर एक्टिव रखना है, डू यू नो दैट? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आपको पता है क्या होता है, सुना है आपने कभी? हिप्पोकैम्पस होता है दरियाई घोड़ा, राइट? तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक सेंटर है, दैट इज हिप्पोकैम्पस, दैट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इंटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हम पढ़ाएंगे उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए हमें कौन सा सेंटर चाहिए? ब्रेन का एक सेंटर है, दैट इज कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस होता है दरियाई घोड़ा, ठीक है, उसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है बच्चों, पता चला? तो ऐसे ही दरियाई घोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। तो हमारे माइंड में एक सेंटर है विच कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी। आज हमने क्या खाया, क्या किया, क्या पढ़ा, कौन सी टीचर हमें पढ़ा रही है, 20 years आफ्टर व्हेन यू टेल योर किड्स, योर यू नो जो भी आपके साथ काम करते होंगे कि वीनू मैम पढ़ाया करती थी, या आपके साइंस मैम जो यहाँ पे है, जसप्रीत मैम और एनी अदर मैम जो आपको पढ़ाते हैं, वो इस तरह से पढ़ाते थे। मानसी मैम हमारी प्रिंसिपल थी उस टाइम, वो इतना अच्छा काम करती थी, एंड ऑल दैट, राइट? तो ये सब चीजें कौन कन्वर्ट, कौन याद रखने में हेल्प करता है? हिप्पोकैम्पस। तो हमें उसको याद, उसको एक्टिवेट करना, दैट इज इन अवर हैंड्स। किसी ने नहीं, कि भगवान ने दे दिया हिप्पोकैम्पस, अब उसकी मर्जी है वो हमें याद रखवाता है कि नहीं, ऐसा नहीं। हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करना हमारी अपने हाथ में है, और उसके लिए कनेक्शन हमारा कहाँ से है? बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड से उसका कनेक्शन है। तो जितना सीधा बैठोगे, सीधे बैठो, है ना, यंग बच्चे हो बेटा, ऐसे तो हमारी बेंड हो जाएगी कमर, राइट? हमने ये बेंड करनी नहीं, राइट? तो यू आर यंग स्टूडेंट्स, कीप योर बैक स्ट्रेट, ठीक है। नेचर ने हमारे इसीलिए यंग बच्चों को, क्योंकि उनकी मेमोरी तेज चाहिए, ठीक है, तो उनकी कमर सीधी रखी है। जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारी कमर भी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए आपने क्या देखा है कि वो कनेक्शन वीक पड़ जाता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का और हिप्पोकैम्पस का। दैट्स वाई इन ओल्ड एज व्हाट वी यू नो देयर अकर्स डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? फॉरगेटफुलनेस, भूलना शुरू हो जाता है। तो अभी तो हमें कुछ नहीं है, ना आपको ना मुझे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपनी बैक स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो, सीधे एवरीबडी, ठीक है जी, सबने सीधे होके बैठना है, ठीक है। और जल्दी से जो है अपने हाथ आगे करो और थोड़ा सा ऐसे टर्न, जल्दी से सीधे, ताकि आपके शोल्डर्स एक्टिव हो, ठीक है। 5 times एक तरफ टर्न करो, 5 times दूसरी तरफ टर्न करो। वेरी गुड एवरीबडी, इट एनर्जाइजेस योर आर्म्स, योर शोल्डर्स, जिससे आपने सारा दिन काम करना है। चलिए नाउ रिलैक्स, अपनी थोड़ी सी गर्दन सीधे रख के नीचे और फिर ऊपर, 5 times गिनो और फिर नीचे, नीचे बिल्कुल, अपनी चिन लगाओ एंड देन कम टू रेस्ट, बट सीधे होके। गर्ल्स 8th थे बेटा, फर्स्ट बेंच, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ रही है क्योंकि आपका बेंच नीचे है, ठीक है। इफ यू कैन शिफ्ट टू दिस साइड इट्स बेटर, अगर आप इस साइड शिफ्ट हो सकते हो, आई थिंक एक बेंच खाली है, ठीक है, जिसके कारण आपको झुकना पड़ रहा है, बट इफ यू आर कंफर्टेबल देयर नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो आई थिंक एवरीबडी नाउ इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द स्क्रीन, येस और नो? Yes. आप और मैं, हर स्टूडेंट ने ये सोचना है कि मैं और आप यही काम कर रहे हैं और हम कोई नहीं है क्लास में, राइट? तो दिस शुड बी द वे, ठीक है जी। चलिए, हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की,
हमने पिछली बार बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. नौ, खुशकीरत नागरा, एट्थ ए खुशकीरत, कम फॉरवर्ड. माइक के नहीं आया, खुशकीरत नहीं है, कोई बात नहीं. देविंदर प्रीत सिंह, एट्थ ए देविंदर प्रीत सिंह. बेटा आगे आ जाओ, और मैं 1 मिनट में आ रही हूं. 1 मिनट आप माइक के पास हो, मैं आती हूँ. चलिए जी, देविंदर प्रीत सिंह, मुझे बेटा ये बताओ देविंदर, कि मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सिंपल सेक्स ऑर्गन्स कौन से है? जैसे ये आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है. आई थिंक इट्स क्लियर, यस और नो? तो इसमें से बेटा मैं तुम्हें मार्क करती हूं जो हमने करना है. दैट इज एक मिनट बेटा, सो वी आर टेस्टिस, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, देन वास डेफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड पेनिस. हमने बस इन चीजों के बारे में, बाकी सब हम छोड़ देंगे, हमने इस बारे में बात करनी है. सो स्क्रोटम इज द सैक, ये आप देख रहे हो, ये एक थैली है जिसके अंदर क्या पड़ी है? टेस्टिस पड़ी है. सो फर्स्ट इज स्क्रोटम, सेकंड टेस्टिस, थर्ड ये क्या है? ये है एपिडिडिमस, ये वाली इसके ऊपर, और फिर उसमें से एक डक्ट जा रही है वास डेफरेंस, और ये यूरिनरी ब्लैडर फिफ्थ, और वास डेफरेंस किसमें खुल रही है ये देख रहे हो, दिस इज ऑल यूरिथ्रा, ये सारा क्या है? यूरिथ्रा है. सो सिक्स्थ इज यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा आगे किसमें जा रहा है? पेनिस में जा रहा है. सेवंथ इज दिस वन, राइट. अब मुझे बताइए कि इसमें देविंदर, नाउ टेल मी विच इज द सेक्स ऑर्गन? टेस्टिस टेस्टिस इज द सेक्स ऑर्गन. इसको हमने सेक्स ऑर्गन क्यों कहा? क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? इट प्रोड्यूस टू सब्सटेंसेस. कौन से सब्सटेंसेस है जो ये प्रोड्यूस करते हैं? वन इज, जोर से देविंदर, स्पॉन्स स्पर्म्स, वेरी गुड, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन. एस्टोटीरम टेस्टोस्टेरोन क्या है बेटा? हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, वेरी गुड. बैठो देविंदर, दिस इज मेल सेक्स हार्मोन. क्या नाम है इसका? टेस्टोस्टिरोन. ये क्या करता है बेटा? जो मेल्स की आवाज भारी हो जाती है, जो मेल्स के चेहरे पे बियर्ड एंड मुस्टैचेस आ जाती है, ठीक है, तो ऑल दीज, उनकी हाइट बड़ी हो जाती है, बोन्स की ग्रोथ होती है, दैट इज ऑल डन बाय टेस्टोस्टिरोन, राइट. देन एट्थ बी, जगजीत कौर. जगजीत, एट्थ बी, आर यू देयर? नो जगजीत नहीं है. ओके, भावना. एब्सेंट एब्सेंट भावना इज ऑल्सो एबसेंट. अनिका, एब्सेंट ओहो सो मेनी एबसेंट. योविका, बेटा नाउ टेल मी कि टेस्टिस जो है, ये जो है, ये एब्डोमिनल कैविटी में है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की एब्डोमिनल कैविटी में है.
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, वेरी गुड। थोड़ा सा योविका मुझे एक और चीज बता दो कि व्हाई दीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एब्डोमन में, ओवरी तो एब्डोमन में है, तो बेचारे मेल्स की क्या गलती है, उनकी टेस्टिस बाहर क्यों आ गई? क्योंकि यस, बैठो, अभी आपको याद नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रणव सिंह, 8th B, व्हाई टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कुछ मैं थोड़ा सा हिंट देती हूं आपको, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो मुझे ये बताइए, एब्डोमन का टेम्परेचर हाई होता है कि बाहर स्क्रोटम का टेम्परेचर हाई है? स्क्रोटम जोर से बोल रहे। हाँ, प्रणव, डू यू रिमेम्बर? नहीं, प्रणव को नहीं पता। बैठो बेटा। हाँ जी, 8th A में, रेज योर हैंड, हु नोज द आंसर? बेटा, व्हाई टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। मैंने तुम्हें तीन कैविटीज बताई थी, चेस्ट कैविटी, देन दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, और नीचे वाली पेल्विक कैविटी। बट हमारी जो टेस्टीज है, मेल्स में जो टेस्टीज है, वो इन तीनों कैविटीज से बाहर है, इन बिटवीन लेग्स प्रेजेंट है। क्यों? स्पर्म्स कौन से टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, हाई कि लो? जोर से, लो टेम्परेचर पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, एब्डोमन का टेम्परेचर क्या होगा? हाई है, इसलिए टेस्टिस बाहर आ गई कि मेरे स्पर्म्स ने तो हाई टेम्परेचर पे मर जाना है, अब मैं क्या करूं? आई शुड शिफ्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी, बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज लो। सो विल यू रिमेंबर दिस, व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? बिकॉज स्क्रोटम हैज लो टेम्परेचर देन एब्डोमिनल कैविटी, एंड स्पर्म्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर। इज इट ओके? यस और नो? Yes. यस। सो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन Yes. टेस्टीज, देन दे गो टू एपिडिडिमस, राइट? फ्रॉम इन एपिडिडिमस द स्पर्म्स आर स्टोर्ड फॉर सम टाइम। क्या फंक्शन होता है एपिडिडिमस का? कुछ और नजर ही नहीं आ रहा, यहीं पे पड़ा है एपिडिडिमस। क्या है? यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होते हैं, उसके बाद देन दिस वास्ट डिफरेंट, इट इज ए लॉन्ग डक्ट। पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर आपकी, ठीक है? आप ये देख सकते हो कि यहां से ये लेग्स के बाहर का पोर्शन है, ये एब्डोमिनल या पेल्विक कैविटी आपकी चली जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वास डिफरेंस यहां से निकल के फिर एब्डोमिनल कैविटी में गया? यस और नो? बोलो बेटा। यस, यस और नो बोलते जाया करो। तो ये फिर एब्डोमिनल कैविटी में गया, एंड इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, राइट? देन यूरेथ्रा ओपन्स इनटू पेनिस। पेनिस अगेन, अ पार्ट ऑफ पेनिस इज इन द एब्डोमिनल कैविटी, रेस्ट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एंड पेनिस, यू नो, ठीक है, पेनिस इज ए पाइप थ्रू विच द बॉयज, द मेल्स पास यूरिन एंड ऑल्सो सीमन, राइट? इट इज ए डक्ट, इट इज ए पाइप, राइट? एक्सटर्नल पाइप जिसके थ्रू यूरिन जाता है बाहर और जिसके थ्रू सीमन भी बाहर जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? तो अब हम थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है टेस्टिस। सबसे पहले क्या है? टेस्टिस। सेकंड क्या आ जाता है बेटा?
बोलो एपिडिडिमस, एवरीबडी एपिडिडिमस, सबने बोलना है, मुझे आवाज आनी चाहिए. एंड देन देयर कम्स वास डिफरेंस, एंड देन देयर कम्स स्क्रोटम, सॉरी आई एम सॉरी नॉट स्क्रोटम, आई एम सॉरी यूरेथ्रा, एंड देन कम्स पेनिस. इज इट राइट? टेस्टिस प्रोड्यूस, जल्दी से सभी बच्चे. एंड स्पर्म्स आर द गैमीट्स, टेस्टो स्पर्म्स क्या है बेटा? मेल गैमीट्स है ये. एंड टेस्टोस्टेरोन क्या है बच्चे? यस मेल वेरी गुड, सबने बोलना है मेल सेक्स हार्मोन. एपिडिडिमस का क्या फंक्शन है बच्चे? यस स्टोर स्पर्म्स. वास डेफरेंस का क्या फंक्शन है बच्चे? टेक स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स नो अवे फ्रॉम टेस्टिस. यूरेथ्रा इज ए कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन. नहीं। सीमन क्या है? ये मैंने पिछली बार आपको बताया था बेटा. पॉम्स प्लस फ्लूइड. देन पेनिस, पेनिस इज, हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, विच पासिस आउट यूरिन एंड सीमन. इज इट ओके? ठीक नहीं। है, चलिए जी. नेक्स्ट हम, अब मुझे आपने बताना है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यहां पर आपको दो चीजें हैं, वो क्या क्या नजर आती है? हु विल टेल मी? शिवम फ्रॉम 8th A, जल्दी से आ जाओ. एब्डमन के बाहर मेल्स में क्या दो चीजें देख सकते हैं हम? अंदर वाली चीजें तो हम ऐसा सच नहीं देख सकते, क्या चीजें देख सकते हैं बेटा? जोर से बोलना है, मुझे सुन नहीं रहा है. टेस्टिस टेस्टिस एंड, और क्या देख सकते हो? और क्या नजर आता है? स्पोटम स्क्रोटम भी नजर आता है, और जो पाइप है जिसके थ्रू यूरिन पास होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? हाँ जी, जोर से. पेनिस, स्पेनिश इट इज पेनिस. पीछे से आपकी हेल्प जरूर, चलो कोई बात नहीं, इट इज पेनिस. राइट, बैठो बेटा. अगेन ये अगर टेस्टिस है तो यहां से ये पेनिस है, ये स्क्रोटम है. इज इट राइट? यही चीज नजर आती है. एवरीबडी ओके और नॉट? ठीक ये है जी. अब मुझे ये बताइए कि विच स्ट्रक्चर
ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबने सुनना है ध्यान से, किसी को भी बुला सकती हूं, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्क्रोटम बट पासेस इनटू पेल्विक कैविटी, यहां पे जो यहां पर अराइज होता है और अंदर जाता है, या विच टेक्स, हम क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर विच टेक्स स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू पेल्विक कैविटी, और यूरेथ्रा, एट्थ बी सिमरन बचे, आजा बेटा, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बैठो बेटा, इट इज वास डेफरेंस। सो आई थिंक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर, चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन द, बिल्कुल ठीक बताया है, इट इज प्रेजेंट इन द, वेरी गुड वेरी गुड, पेल्विक कैविटी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, दिस इज ओवरी, देन नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब्स, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, ओविडक्ट्स, ठीक है, गई हुई है बच्ची, नहीं थी पुरानी वाली, ठीक है जी। सो ओवरीज है और फेलोपियन ट्यूब्स है, देन थर्ड इज यूट्राइन कैविटी या यूट्रस, थर्ड इज यूट्राइन कैविटी और यूट्रस, ये जो दोनों है, ये दोनों हम क्या कहेंगे, दिस इज वॉल ऑफ द यूट्रस, आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, बट दिस इज वॉल ऑफ यूट्रस। सो यूट्रस में क्या है, वॉल है, और बीच में क्या है, आई एम सॉरी, बीच में क्या है, कैविटी है, देन उसके बाद क्या आ जाता है, देन फिफ्थ इज विजाइना, यस और नो, ठीक है। तो सबसे पहले है ओवरीज, सेकंड क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स, थर्ड क्या है, सिंपल कहो यूट्रस, राइट, फर्स्ट इज ओवरीज, सेकंड फैलोपियन ट्यूब्स, थर्ड यूट्रस, एंड फोर्थ वॉल, नहीं वॉल नहीं, मत इधर मत देखो, फोर्थ इज विजाइना, ठीक है, ये चार पार्ट्स है मेनली, फर्स्ट ओवरीज, सेकंड फैलोपियन ट्यूब्स, थर्ड यूट्रस, फोर्थ, फोर्थ है विजाइना, ठीक है, चार पार्ट हम बात करते हैं, ओवरी, फिर दिस इज ओवरी, ये फेलोपियन ट्यूब, दिस इज होल यूट्रस एंड दिस इज विजाइना, ठीक है। क्या होता है ध्यान से सुनना है, ओवरीज, ओवरीज क्या है,
सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल? सेक्स ऑर्गन का क्या काम है? इट प्रोड्यूस कौन से गैमेट्स? फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? ओव्यूल तो प्लांट्स में बोलते थे ना, या कुछ और? इट इज एग्स, इजंट इट? है ना? सो इट प्रोड्यूस, हाँ बिल्कुल ठीक है, फीमेल गैमेट और एग, एंड वन गर्ल आई थिंक शी हैज टोल्ड मी करेक्टली, देन अनदर इज फीमेल सेक्स हॉर्मोन, कौन सा है बच्चे? एस्ट्रोजन। और एक और आ जाता है, व्हाट इज द अदर नेम? प्रोजेस्ट्रॉन। फीमेल में दो हार्मोन है, मेल्स में एक ही हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? एस्ट्रोजन। फीमेल्स में जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, जब आप एडोलेसेंट 13-14 साल के होते हो, तो जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंजेस क्या है? बॉडी हेयर आ जाते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप, जो मेमोरी याददाश्त वाली नहीं, मिल्क ग्लैंड्स जो है वो डेवलप होनी शुरू होती है, और एक मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। वो सब किसके कंट्रोल में है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। जैसे मैंने मेल्स में चेंजेस बताए आपको कि उनकी हाइट बढ़ जाती है, मूछें और दाढ़ी आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है, सो दीज आर, दिस इज ड्यू टू मेल सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह जो फीमेल में चेंजेस आते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर, डेवलपमेंट ऑफ यू नो मेमोरी ग्लैंड, दैट इज मिल्क ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एंड स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। चलिए अब ओवरी क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? एग्स प्रोड्यूस करती है। बेटा जैसे मेल्स है ना, ये ध्यान से देखो, मेल के जो स्पर्म्स है वो इधर, बेटा बाकी सब छोड़ दो, इधर कॉन्सेंट्रेट, हियर कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन बेटा, सब किसी से बात नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज सच बुक्स में नहीं दिया जो मैं आज समझाने जा रही हूं आपको, इसलिए ये समझना है, अपना पूरा ध्यान यहां पर लगा के, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो मेल्स में जो स्पर्म्स है वो रेगुलरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि महीने में एक बार हुए, दो बार हुए, नहीं, मेल्स में रोज मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, डेली मिलियंस, हर बार, हर रोज तकरीबन 3 मिलियन 4 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि फीमेल्स में एक महीने में सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस होता है, इज इट ओके? सो मेल प्रोड्यूसर स्पर्म्स डेली, एंड डेली दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, वेयर एज फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, दैट इज एग, वंस इन वन मंथ। दो ओवरीज है, इनमें से कोई सी ओवरी एक ही एग प्रोड्यूस करती है एक महीने में, इज इट क्लियर? यस और नो बोलो बेटा, हाँ बोला करो, ठीक है। तो यहां से एग प्रोड्यूस हुआ, एग जो है बेटा ये ना, ये नहीं कि ओवरी के अंदर जा रहा है, ये तो 2D दिखा रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है फेलोपियन ट्यूब्स इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर पड़ी हुई है, राइट? ये ओवरी है और फेलोपियन ट्यूब ने इसको यहां से घेरा हुआ है, आप इस तरह से सोच लो, इसको ओवरीज को ऐसे करके, मतलब इफ दिस इज द ओवरी, तो इस तरह से फेलोपियन ट्यूब्स ने, इसके आगे वाले पार्ट ने इसको इस तरह से मतलब कवर किया हुआ है, कैन यू इमेजिन दिस थिंग? ठीक है, तो अब ओवरीज ने एग यहां रिलीज किया, महीने में एक बार यहां पे रिलीज किया, और फेलोपियन ट्यूब्स ने इस एग को, फेलोपियन ट्यूब्स में पोर्स है, और इस एग को कैप्चर करके अंदर, फेलोपियन, यहां तो ऐसे लगता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज के अंदर चली गई है और वहां से ही एग ले रही है, नहीं, फेलोपियन ट्यूब्स, ये ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब्स ने इसको ऐसे घेरा हुआ है,
ओवरी ने एग कैविटी में रिलीज किया और फिलोपियन ट्यूब्स ने वहां से एग को कैप्चर कर लिया और एग फिलोपियन ट्यूब्स के यहां, दिस इज द एग, लेट अस से यहां पे चला गया। ठीक है, अगर तो यहां से विजाइना से स्पर्म्स जाकर यहां पे पहुंचे, अगर स्पर्म्स इधर अवेलेबल है तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो अब मुझे बताओ कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी, ओवरी में, फलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में, वेजाइना में, कहां पर है फर्टिलाइजेशन? फलोपियन ट्यूब्स में, राइट? एंड इट इज ए बाई चांस फिनोमिना, हमारे हाथ की बात नहीं है, बाई चांस है। मेल एंड फीमेल दे कम टूगेदर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एग इज रिलीज्ड, राइट? स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन वेजाइना पेनिस के थ्रू। दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुननी है, मेल एंड फीमेल में पॉपुलेशन हुई, द पेनिस रिलीजेस सीमन हेयर इन वेजाइना, स्पर्म्स, द स्पर्म हैज हेड, नेक, मिडल पीस एंड देन अ लॉन्ग टेल। आपने बहुत ज्यादा नहीं याद रखना, मेरे को बनाना तो मेरी ड्यूटी है, बट इस टेल की वजह से ये जो है यहां पे इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द टेल, दिस टेल हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स। यहां पे सीमन आया, सीमन में क्या था, स्पर्म्स थे और फ्लूइड था। फ्लूइड का क्या फंक्शन है? फ्लूइड का फंक्शन है कि स्पर्म्स जो है उसमें स्विम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स जो है धीरे धीरे यहां पे स्विम करते 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 यहां पे पहुंच रहे हैं। बट यहां पे 300 मिलियन, 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए, बट ओनली फ्यू थाउजेंड रीचेस हेयर, कुछ थाउजेंड रीच यहां पे होते हैं और सिर्फ एक स्पर्म जाकर एग से फ्यूज कर सकता है। ठीक है, देखिए कितनी प्रोबेबिलिटी, पहले तो ये है कि जब एग रिलीज हो बाई चांस तभी सीमन आए, सीमन में इतने सारे स्पर्म्स है, सिर्फ कुछ हेल्दी स्पर्म्स ही स्विम कर पाएंगे, सभी स्पर्म्स नहीं स्विम करते। हेल्दी स्पर्म्स यहां से जा रहे हैं, कुछ को सर्विक्स ने मार दिया या वेजाइना में मर गए, कुछ यूट्रस में मर गए, तो मरते मराते सिर्फ कुछ थाउजेंड स्पर्म्स जो है यहां तक पहुंचे और उसमें से भी सिर्फ एक स्पर्म जो है, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। इज इट ओके? समझ में आई मेरी बात के नहीं? ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड एज? वेरी गुड, जाइगोट। जाइगोट इज फॉर्म्ड वेयर? एट थे। कहां पे जाइगोट बनेगा? ओवरीज में, फलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में, वेजाइना में, कहां पर बनेगा? जोर से मुझे एट थे की, मैम यहाँ पे ना माइक थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ मुझे आवाज कम आती है एट थे की। चलिए कोई बात नहीं, जोर से बोलो जरा। बिल्कुल ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स में जो है वो जाइगोट बनेगा और उसके बाद जाइगोट एट्थ भी वन सेल है कि बहुत सारे सेल्स है? सिंगल सेल्ड है जाइगोट और उसके बाद बेटा ये जाइगोट बना एक सेल का, फिर दो सेल्स बने, डिवीजन हुए जा रही है, फोर सेल्स बने, एट सेल्स बन गए। इस तरह से जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी सेल्स, डिवीजन यहीं पर ही शुरू हुई, बट धीरे धीरे जो है जब 8 to 16 सेल्स हो जाते हैं देन इट स्लोली शिफ्ट्स इन द यूट्रस। ओके, डिवीजन हुए जा रही है, एम्ब्रियो बन रहा है, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। बट अब अगर हम देखें आगे,
एक मिनट बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये फेलोपियन ट्यूब से जो है वो जो एम्ब्रियो है या पार्शली डेवलप्ड 16 सेल स्टेज है वो यहां पे आया। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखना है, ये यूट्रस की वॉल है, बाहर वाली वॉल है, ये अंदर वाली वॉल है। और आप क्या देख रहे हो कि जो अंदर वाली वॉल है उसने यहां पे एक कैविटी बना ली है, ये वाली वॉल ने, और बच्चा जो है, जो वो 16 सेल जो एम्ब्रियो था वो इस कैविटी में चला गया। मैं दोबारा से आपको दिखाती हूं। ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है, ये इसकी थिक वॉल है, यहां से एम्ब्रियो इधर आया, ठीक है। तो जो इसकी ये वॉल थी, ये वाली वॉल, ये यहां से फोल्ड हुई और इसने एम्ब्रियो को अपने अंदर ले लिया। कैन यू सी दिस? ठीक है, तो फिर अब देखिए, अब एम्ब्रियो जो है वॉल के अंदर है, ठीक है, और ये डेवलप हो रहा है एक बच्चे में। इज इट ओके? और ये कैसे जुड़ा हुआ है वॉल के साथ? ये अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बेटा आपकी नेवल है, आपने कभी नया बच्चा पैदा हुआ देखा होगा, उसके यहाँ पे नेवल में एक छोटी सी कॉर्ड होती है, तो एक पाइप सी होती है जो धीरे धीरे सूख जाती है। कभी देखना आगे, अगर अभी नहीं देखा तो यहाँ पे नेवल में जो धुनी होती है, नेवल आपको पता है, जो धुनी आपके पेट में जो छेद है, वहां से एक कॉर्ड निकलती है जो वॉल के साथ जुड़ती है। यहां से बच्चे को खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, और यहां से वेस्ट भी मदर के पास जा रहे हैं, राइट? तो ये बच्चा यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर धस गया है और वहां पे ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे ये बड़ा होता है, ये घूमता जाता है, ये कैविटी और बड़ी हो जाएगी, यहां तक हो जाएगी, ये बच्चा घूमेगा, इसका सिर यहां पे ये उल्टा हो जाएगा, जब मेच्योर हो जाएगा, ये देखना जरा, व्हेन इट गेट्स मेच्योर देन व्हाट हैपेंस? कैन यू सी दिस? दिस इज होल कैविटी, राइट? बच्चा घूम गया, अब इसका सिर जो है ये विजाइना, सर्विक्स विजाइना के पास आ गया है। नाउ फिर वो थैली जिसके अंदर बच्चा एम्बेडेड है वो टूट जाती है, उसमें से फ्लूइड लीक हो जाता है, और दिस उसका हेड जो है बच्चे का वो विजाइना के थ्रू यहां से बाहर आएगा। और जब मदर की विजाइना से बच्चा बाहर आता है, उसका सिर बाहर आता है, तो डॉक्टर उसको सिर से पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे वो जुड़ा हुआ है मदर के साथ, अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं, एंड द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम द मदर, एंड वी से दैट द चाइल्ड गेट्स डिलीवर्ड। इज इट ओके? समझ में आई मेरी बात? यस और नो? ठीक है, चलिए हम देखें जरा। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? ये ओवरीज है, ये क्या है बेटा? फेलोपियन ट्यूब्स है, यहां से भी यहां से भी। What is this? This is uterus. Fallopian tubes यहां से आ रही है uterus के अंदर, और
दिस इज द वॉल ऑफ द यूट्रस. दिस इज वॉल ऑफ द यूट्रस. दिस इज विजाइना. यस एट्थ बी इशिता. बेटा जल्दी से बताओ ये वन क्या है. ओवरी ओवरी. ओवरी का क्या फंक्शन है बेटा इशिता. व्हाट डज इट प्रोड्यूस. ओव्यूल. ओव्यूल. तो बेटा प्लांट्स में होता है. फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं. जोर से आपके फ्रेंड्स ने आपकी हेल्प कर दी है. जोर से बोलो. मुर्गी के क्या खाते हो आप. अंडे खाते हो ना. वो क्या है. फीमेल गैमीट है बेटा. ठीक है. तो प्लांट्स में भी ओव्यूल भी कुछ और चीज है. प्लांट्स में भी जो गैमीट है वो एग ही है. एनिमल्स में भी जो गैमीट है वो एग ही है. याद रहेगा. ठीक है इशिता बैठो बेटा. सो इट प्रोड्यूस एग. और दूसरा क्या है. और बताइए. एट थे. वेरी ऑस्ट्रोजन. गुड. ईस्ट्रोजन एंड एंड प्रोजेस्ट्रॉन. ये क्या है. हार्मोन्स है. फीमेल सेक्स हार्मोन्स है. ठीक है जी. देन एट्थ ए हीरा. हीरा लाल आ जाओ बेटा जल्दी से. ये सेकंड स्ट्रक्चर का क्या नाम है बेटा. जोर से मुझे सुन नहीं रहा. चीख के बोलना है. जैसे घर में मम्मी से लड़ते हो ना वैसे बोलना है. फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब्स. बिल्कुल ठीक है. क्या फंक्शन है बेटा फेलोपियन ट्यूब्स का. इट इज द साइट वेयर व्हाट अकर्स. जोर से. फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन. बैठो हीरा बैठ. वेरी गुड. सो फेलोपियन ट्यूब्स इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. बाकी अब मैं जिसको बुलाऊंगी किसी ने हेल्प नहीं करनी बेटा वही बच्चा बोलेगा. एट्थ ए समीक्षा. जल्दी से भाग के आओ. जोर से बोलना है बेटा. व्हाट इज दिस थर्ड पार्ट. ऑस्ट्रोजन जोर से. इट इज. ये क्या है. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बच्चे. बजाइना. बेटा विजाइना तो मैंने नीचे लिखा है. ये पूरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें ये वाला पूरा स्ट्रक्चर. सॉरी आई फॉरगेट. यू फॉरगेट. कोई बात नहीं शीता. बैठो बेटा बैठो. कोई बात नहीं. अभी याद आएगा तो याद रखना है. पवित सिंह. एट्थ ए ही है. हाँ एट्थ ए. जल्दी से भाग कर. क्या है ये बेटा. यूट्राइन कैविटी. वेरी गुड पवित. वेरी गुड. दिस इज इशिता. ये बेटा पूरा स्ट्रक्चर है यूट्रस. है ना. यूट्रस है और इसकी कैविटी इज यूट्राइन कैविटी. एट्थ बी प्रभजोत. भाकर. दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ क्या है. वॉल ऑफ यूट्रस. वेरी गुड. वॉल ऑफ यूट्रस. बैठो बेटा. वेरी गुड. वेरी गुड. एट्थ बी सुखमन. भाग कर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस. यूट्रस में क्या चीज होती है बेटा सुखमन. डेवलपमेंट ऑफ
एग्स डेवलपमेंट एग्स नहीं हम कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आप कह सकते हो या एम्ब्रियो कह सकते हो या बेबी कह सकते हो. इज इट ओके सुखमन? क्या दोबारा से बोलो? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. यस, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. राइट, बैठो बेटा. सो यूट्रस का फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड वजाइना का फंक्शन है बेटा पैसेज फॉर द फीटस. इट इज द पैसेज थ्रू विच फीटस कम्स आउट. इज इट ओके, क्लियर टू यू? ठीक है, चलिए अपनी लास्ट वाली एक असाइनमेंट निकालो बेटा, जो पिछली वाली है. टीचर्स प्लीज टेक केयर कि हर बेंच पे एटलीस्ट एक असाइनमेंट हो. यहां पे बेटा अब एक चीज और देख लो, तभी आप कर पाओगे. ये जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स आर मेल गैमेट्स. बना भी लो ना डायग्राम. दिस इज हेड जिसमें न्यूक्लियस है. हेड हैज न्यूक्लियस. ये नेक होती है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी. दिस इज मिडल पीस. मिडल पीस प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म. एंड दिस इज टेल फॉर स्पर्म मूवमेंट. इज इट राइट? ठीक है, चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. करो जल्दी से ये. ट्वेल्थ तक करो जल्दी से. 5 मिनट्स आर देयर. बस बातें बिल्कुल नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं, अपना अपना. और देखो जिस बेंच पे असाइनमेंट नहीं है वो अपने मैम को कहो, मैम किसी से लेकर देंगी. हर बेंच पे एटलीस्ट एक असाइनमेंट होनी चाहिए. बातें बिल्कुल भी नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं, आवाज नहीं. और बेटा 29th को आपका टेस्ट है इस चैप्टर में से. राइट, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा. ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, क्वेश्चंस यू नो जो मैंने करवाया है. तो रिवाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं भूल गई जी, मैम ने पता नहीं. तो आप जितने वीडियोस है अपने 8th के वो सारे अपलोडेड है जो हमने लिए है, है ना? तो चैप्टर पढ़ना, ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ाया सिर्फ वही आएगा, जो आपकी मैम ने पढ़ाया वो भी आएगा, पूरा चैप्टर. राइट, तो आपने मैम का देखना है और जो वीडियोस हमारे हैं वो देखने हैं. एवरीबडी विल गेट 100% मार्क्स. जल्दी से, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, अपनी अपनी मैंने डिस्कस कराई देनी है.
हाँ जी आप करो अनमोल ग्रेवाल 8th A। आजा बेटा आजा। क्वेश्चन है व्हाई टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मैंने पहले भी बताया है आपको, जल्दी से आप बताओ। मैम हाई टेंपरेचर में सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो स्पर्म्स जो है वो लो टेंपरेचर पे काम करते हैं, इज इट ओके? हॉर्मोन्स नहीं, गैमीट्स की हम बात करेंगे, ओके? ठीक है, चलो बैठो बेटा, वेरी गुड। अनिका 8th B एब्सेंट है, अनिका के बाद अंकित आ जाइए 8th B। अंकित अगर टेस्टिस किसी कारण से एब्डोमेन में ही रह जाए तो क्या स्पर्म्स एक्टिव होंगे? नो नो। विल द मेल फर्टाइल और स्टराइल? स्टराइल मीन्स बच्चे नहीं हो सकते, फर्टाइल मीन्स बच्चे हो सकते हैं। मैम स्टराइल। वेरी गुड वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 7 बैठो अंकित। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ द टेस्टिस रिमेन्स इन द एब्डोमेन? द मेल विल नॉट प्रोड्यूस, हम कहेंगे मेल विल बी स्टराइल एज he cannot produce active sperms. Eighth A, Trisha. अपने assignment ले आओ साथ में, assignment ले आओ। हाँ जी बेटा, question number 8th. मेल सेक्स हार्मोन इज, क्या नाम है मेल सेक्स हार्मोन का त्रिशा? टेस्टिस से रिलेट करो, टेस्टिस होती है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जोर से बोलो, और कोई नहीं बताएगा, त्रिशा विल टेल मी। टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड वेरी गुड त्रिशा। एंड फीमेल सेक्स हार्मोन? ऐसे नहीं, त्रिशा विल टेल। डू यू रिमेम्बर त्रिशा? No, you don't remember. बोलो estrogen, 5 बार बोलो जरा। Estrogen. Second time estrogen. Estrogen. Third time. Estrogen. Fourth. Estrogen और दूसरा है progesterone. Male sex hormone. दोबारा से त्रिशा, male sex hormone कौन सा है? टेस्ट नहीं, टेस्टिस तो मेल, हम क्या बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन है, हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या लिखोगे? बैठो बेटा, त्रिशा याद रहेगा अगली बार। टेस्टोस्टेरोन और फीमेल है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। चलिए जी, उसके बाद आ जाइए वरणजोत 8th B। भाग कर बेटा अपनी असाइनमेंट लेते हो, असाइनमेंट लेते हो बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th बेटा, जो एक्स है, एक्स दिखाया है यूरेथ्रा और ये है पेनिस, ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा दिखाया है बेटा।
तो अब बताओ इसका क्या फंक्शन है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे? डी है, इट इज ए दैट हेल्प्स इन, बट यूरिन, दिस पासेस ओनली यूरिन? नो बेटा, इट पासेस स्पर्म्स आल्सो, ठीक है, क्योंकि वास डेफरेंस इसी में ही खुलती है, वास डेफरेंस भी यहां से खुली और यूरिनरी ब्लैडर भी यहीं पर खुला, डू यू गेट मी? ठीक है, यहां से स्पर्म्स आ गए, यहां से यूरिन आ गया, सो ऑप्शन क्या आ जाएगी? सी ऑप्शन आ जाएगी, जो इसका डी पार्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, आपने शायद डी उस तरफ से कह दिया होगा कि इट इज ए नैरो डक्ट विच पासेस बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, ठीक है बेटा, यही आपने कहा? ठीक है बेटा, बैठो, वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ। अर्शदीप कौर, एट्थ ए, जल्दी से अर्शदीप, अर्शदीप कौर नहीं है तो अर्शदीप सिंह आ जाओ बेटा, आ जा बेटा, भाग क्या? क्वेश्चन नंबर टेंथ, हेड ऑफ स्पर्म्स क्या है इसमें? हेड ऑफ स्पर्म्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल है बेटा, न्यूक्लियस होता है ना, इट हैज जेनेटिक मटेरियल। बताओ कौन सी ऑप्शन होगी बच्चे, जोर से बताना है। ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री है, थ्री कैसे हो सकती है, सी कैसे हो सकती है बेटा, ए का टू दिया हुआ है, हेड ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन मूवमेंट, ये तो नहीं है ना। अच्छा, हेड ऑफ स्पर्म जेनेटिक मटेरियल, मिडल पीस क्या करता है बेटा? ये देखो स्क्रीन देखो, मिडल पीस क्या कर रहा है? प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी, और टेल क्या कर रही है? मूवमेंट, मूवमेंट, तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैठो अर्शदीप, अर्शवीर, एट्थ बी, अर्शवीर, अर्शवीर इज देयर, हां जी बेटा, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, मैम सी, द डक्ट इन ह्यूमन मेल्स विच, यस इट इज सी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बैठो, वेरी गुड, नेक्स्ट आशीष, एट्थ ए, हां जी, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, इसमें मुझे वैसे बता दो पी क्या है इसमें? ओवरी, ओवरी, क्यू क्या है, जोर से बोलना है, कौन सी ट्यूब्स है? फेलोपियन ट्यूब्स, आर क्या है, कौन सी कैविटी है? यूट्राइन कैविटी, और एस क्या है? लास्ट पार्ट क्या बोलते हैं उसको? वजाइना, वेरी गुड, तो फिर कौन सी ऑप्शन आ जाएगी बेटा आशीष? ओवरीज का क्या फंक्शन है? साइट ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद क्यू, फेलोपियन ट्यूब्स है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, आर क्या है, साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एस क्या है, पैसेज फॉर स्पर्म्स, है ना, बेबी तो यहाँ पे लिखा नहीं बट स्पर्म्स भी तो वहीं से ही जाते हैं, राइट, तो कौन सा आ जाएगा? इट इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैठो बेटा, हरमन सिंह, रोल नंबर 16, एट्थ ए, चलो एब्सेंट है कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आपको, हमने जो यहाँ पे ओवरीज दिखाई, ओवरीज में से हमने क्या कहा था कि एग रिलीज हुआ, रिलीज ऑफ एग
फ्रॉम द ओवरीज इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. क्या होती है ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी, इट इज ओव्यूलेशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी द गिवन फिगर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बताओ जरा जल्दी से, जो पी है ये मेल गैमीट्स है, ठीक है कि गलत है? ट्रू है बेटा, मेल, ये मेल गैमीट्स ही है. क्यू रिप्रेजेंट्स द एग विच इज ए सिंगल सेल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ये एग ही है. द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर इज फर्टिलाइजेशन, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड. द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट होना चाहिए, यहाँ पर फीटस लिख दिया. फीटस तो बहुत बाद में, जो बच्चा बनता है उसको फीटस कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, मार्क कर लो अपने को. हाँ जी, एट्थ बी बेटा, फर्स्ट बेंच जो बॉय है, अपनी असाइनमेंट में आंसर मार्क कर लो बेटा. क्वेश्चन नंबर 14, डी चॉइस इज करेक्ट. डेल्टा, दिल्ली वाला जो डी है वो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इन ह्यूमन स्टार्ट्स इन, कहां पे जाइगोट की डेवलपमेंट कहां पे शुरू होती है बेटा, और कंप्लीट कहां पे होती है? बच्चा कहां पे बनता है? यूट्रस. वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द ह्यूमन फीमेल वेयर द एम्ब्रियो इज एम्बेडेड क्या है? यूट्रस. वेरी गुड. 16th इज बीटा, और उसके बाद 17th, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इफ द ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरीज इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा, इफ टीचर्स अलाउ मी कैन आई टेक 5 मिनट्स? ठीक है, मैं जल्दी से जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ वो मैं समझाती हूँ. बेटा यहां से एग निकला, एग गया इधर, अगर तो यहां से स्पर्म्स आए और फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट बन जाएगा. बट एवरी टाइम इट डज नॉट हैपन. इन अनमैरिड फीमेल्स इट डज नॉट हैपन. तो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो बेटा यहां पे यूट्रस की जो थिक वॉल होती है, ठीक है, थिक वॉल हर महीने बनती है, वो वेट करती है कि जाइगोट आए तो मैं उसको डेवलप करवाऊं. बट अगर जाइगोट नहीं आता, क्योंकि वो थिक वॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो वो थिक वॉल शेड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है. इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, द थिक वॉल ऑफ यूट्रस. ब्रेक्स. लॉट ऑफ ब्लड एंड सेल्स आर शेड ऑफ. ये यूट्रस की कैविटी भर जाती है बेटा ब्लड से और बहुत सारे सेल्स से, एंड दैट ब्लड एंड सेल्स कम्स डाउन, कम्स आउट थ्रू विजाइना एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. हर महीने बेटा आफ्टर प्यूबर्टी, After puberty, when the female, you know, develop female-like characters, estrogen, progesterone, eggs बनने शुरू होते हैं, तो हर महीने 4-5 दिन के लिए क्या होता है? Bleeding होती है through vagina, which has blood and cells. वो क्यों होती है? Because there is no fertilization. So after puberty,
देयर अकर्स मंथली साइकिल इन फीमेल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है फिलहाल, बट समझ में जरूर आना चाहिए। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है 28 डेज। ये स्टैंडर्डाइज्ड है बट जरूरी नहीं, कईयों में इससे ज्यादा हो सकती है, कईयों में कम हो सकती है। इस में कभी भी ये नहीं कि एक तारीख से ही शुरू होना, नहीं, कभी भी शुरू हो सकती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 to 5 days, ये फर्स्ट डे है, 5 दिन तक क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज ब्लीडिंग फेज। और इसमें क्या शेड हो रहा है, यूट्राइन वॉल इज शेड। ऐसा नहीं कि पूरी यूट्रस शेड हो जाती है, उसकी जो थिक वॉल, जो थिकनिंग हुई थी वो शेड ऑफ हो जाती है इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो इसका क्या मतलब है बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये वाला फेज नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि यूट्रस की वॉल थिक चाहिए जब प्रेगनेंसी है। उसके बाद ये सेकेंड फेज है, इसको हम कह देते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, वैसे साइंटिफिकली तो इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, बट मैं आपको इजी बता रही हूं, डिवीजन फेज। इसमें क्या होती है, यूट्रस वॉल बिकम्स थिक, अगेन उसके सेल्स डिवाइड करते हैं और यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है, और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग, एक फ्रेश एग, पुराना एग मर गया, फॉर्मेशन ऑफ एग, एक नया एग दोबारा से बन रहा है। ये तकरीबन 9 से 10 दिन की साइकिल है, 14 डे। और यहां पे बेटा लास्ट डे पे, 14th डे पे क्या हो रही है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यू नो, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ये जो है, दिस इज थर्ड फेज, दिस इज मेंटेनेंस फेज। यहां पे क्या है, यूट्रस वेट्स फॉर जाइगोट। ये इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 14 डेज की है। 14 डेज मतलब 13 to 14 डेज की। और एंड में आके जब उसकी इंतजार खत्म हो जाती है कि अब तो जाइगोट आ ही नहीं सकता, तब हम कह देते हैं कि उसकी यूट्रस वॉल टूट जाती है और फिर ब्लीडिंग फेज शुरू होता है। इज इट ओके? सो 28 डेज की साइकिल है। अगर एग नहीं फर्टिलाइज होता तो यूट्रस की वॉल टूटकर वेजाइना के थ्रू बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड सेल्स, दिस इज ब्लीडिंग फेज, इट कॉन्टिन्यूज। ऐसा नहीं ना कि एक ही टाइम में सारे का सारा ब्लड बाहर आ जाए, नहीं, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सारी अंदर से डैमेज हो जाएगा, फीमेल्स में बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा 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 बाहर आता है, 5 डेज तक चलती है, 5 to 7 भी हो सकता है। उसके बाद फिर जब यूट्रस फिर थिन वॉल हो गई, पुराना एग डिस्ट्रॉय हो गया, तो नया एग बनता है। इस फेज में एग नया बनता है, यूट्रस फिर प्रिपेयर करती है। इस फेज में यहाँ पे एग रिलीज हो गया, यूट्रस को नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन हुई कि नहीं, वो फिर वेट कर रही है कि शायद जाइगोट आएगा आएगा आएगा, बट काफी टाइम तक वेट करने के बाद जब जाइगोट नहीं आता तो फिर एंड में जाकर वो फिर ब्रेक हो जाती है एंड अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट्स। दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन अब आप करके बताओ और फिर हम क्लास खत्म करते हैं। If the ovum released from the ovaries is not fertilized, then it is shed along with blood during menstruation. This is true. ये true statement है। Egg भी release हो जाता है, egg मरा हुआ egg मर जाता है,
24 आवर्स के बाद एग मर जाता है, तो एग भी मर जाता है और यूट्रस की वॉल भी टूट जाती है. सो दिस इज ट्रू. मीनोपॉज, मीनोपॉज होता है फर्टिलिटी खत्म होना, पीरियड्स जो हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाना. कब बंद हो जाती है फीमेल्स में? 45 to 50 इयर्स. अपने असाइनमेंट में लिख लो मीनोपॉज क्या है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. 45 to 50 इयर्स के बाद बेटा फीमेल्स में ये साइकिल खत्म हो जाती है, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको कहते हैं मीनोपॉज. तो ये भी ठीक है. विजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये गलत है क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है? ओवरीज है, राइट? सो दिस इज फॉल्स. सो स्टेटमेंट 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, कौन सी? अच्छा, फोर्थ भी है ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द फीमेल इज सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है. सेकेंडरी मीन्स जो बाद में डेवलप होता है प्यूबर्टी में. तो कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है? फर्स्ट, 1, 2 and 4. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल आई हैव टू डू इन योर क्लास. आज आपको एक असाइनमेंट मिली होगी बेटा, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन यू मस्ट हैव डन इन द क्लास, यस और नो? है ना? तो इसके आंसर्स, टीचर्स प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट कि मुझे इतना ही करवाना था, ये तो बुक के ही क्वेश्चंस है जो थोड़ा सा है, तो आप एक बार क्लास में ये असाइनमेंट देख के इनको करवाना. ओके ठीक है जी. एंड द आंसर्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल स्टार्ट विद माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट क्लास. इज इट ओके? ठीक है बेटा, चलिए. ओके बच्चे, अगेन I am giving you the reminder, on 29th you will have test of reproductive system complete chapter. Okay, thank you beta. और ये दोबारा से आज का lecture important था. आज सबने YouTube पे K Educon e-learning, ये YouTube का channel है, आज का lecture upload हो जाएगा, ये आपने जरूर visit करना है. Okay, ठीक है, thank you beta. Bye bye. Gracias.